अरे ये देखो ये सारा खाया हुआ सीट है ना, हाथों से चुप के निकाल रही है। भाई साहब देखो आप बता दो, ये हर फार्मर का अलग अलग है, जैसे इसमें लॉट नंबर वैरायटी सब लिखे लिए है। ऐसा नहीं है कि सबका एक एक होता है, दो लॉट वाइज जो फार्मर तैयार करता है, एक फार्मर ने इतना तैयार किया तो उसका बीज अकेला एक यही है, तो इसका पूरा नंबर लिखा होगा। देखो हाँ नंबर जो लॉट नंबर है वैसी तरह वो GOT में जाएगा, पूरा लैब तक वो काम करेगा। इसके लिए हर जगह पे अलग अलग रखा है, वेरायटी एक है लेकिन सब फार्मर का अलग अलग है, इस तरह का काम होता है इधर। बाकी फिर देखो ये लेबर का हमको 4-5 रुपया 1 किलो के 5 रुपया चुगाई का देना पड़ता है, 5 रुपया देना पड़ता है। बीज का खाली चुगाई करते हैं ना, रोज का 40 किलो किया, 25 किलो किया, जो भी किया वो 5 रुपये के पड़ता है। और ऐसे ये जो पूरा चुगाई किया ना तो पूरा गंदा दाना है, जैसे खराब दाना है वो पूरा निकाल देता है, तो इसमें हाँ फेंक देंगे ना, इसको निकाल के अलग कर। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये पैकेट में आएगा तो आपको जर्मिनेशन 100% मिलेगा। हाँ ऐसा डाल के डालेंगे तो आपको जर्मिनेशन कम मिलेगा। सर कई बार आते हैं ऐसा दाना भी आता है उसके अंदर, तो वो चुगाई कम करते हैं कई बार हम देखते हैं पैकेट के अंदर। हाँ सही बात है आपकी, लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो साफ रखे ना वो ऐसे ना ऐसे 2-3 लॉट चले ना और ऐसे निकल जाएंगे तो आपका जर्मिनेशन कम ही आएगा। एक बात और बताओ, कई बीज साफ होता है बिल्कुल ऊपर से और उसको जैसे पानी में डालते हैं ना, कुछ बीज ऊपर रह जाता है कुछ नीचे, उसमें क्या होता है साहब? ये बीज सही है लेकिन इसमें लाल दाने होते हैं, जैसे जैसे ये है बराबर, तो एक कच्चा दाना है, तो ये क्या है पूरा पेड़ होता है, जैसे इतना तक होगा तो ऊपर वाला जो टिंडा बनता है वो थोड़ा कच्चा भी रहता है, तो वो काम करेगा और खेत में लगाए वो तो वो भी साथ में चुगाई नहीं रहता है, वो थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन 100% सोइंग तो होगा, जर्मिनेशन तो हो जाएगा, जर्मिनेशन में कोई कमी नहीं है। ये बात जर्मिनेशन इसकी पक्की हो जाए, उसको टूटा हुआ फूटा हुआ 100% नहीं होगा, बाकी इसको 2 साल तक रखोगे। आप आगे चले जाओ, थोड़े आगे मशीन जो है ऐसे थोड़ा, आप आगे चले जाओ थोड़ा, आगे आगे चले जाओ। ये जिन्हें जैसे एक मिनट में बता दो, ये जैसे कच्चा फार्मर का रुई आता है ना, तो इसमें हमने प्लांट बनाया है जैसे 1, 2, 3, तो एक फार्मर लेके आए 2 बोरा, 2 पुते लेके आए, तो 2 पुते इसमें डालेंगे और ये 2 चरखे है, 2 चरखे में इसका बीज निकलता है, इसका निकल के फिर बीज नीचे चला जाता है, रुई इधर आ जाती है, तो बीज जो है वो 1 बोरे में भर के फिर उसको लॉट नंबर में वो अपने डाल देते हैं, और इस तरह अलग अलग होता है, जैसे एक दूसरे का एक साथ साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई फार्मर अच्छा है उसका। इधर आ जाओ, इधर पास ही है।
बाद ये अपना माल इधर से अपनी अच्छी गेवेंडी में जाता है, उसके बाद ये इसमें बढ़िया बनके फिर इसके बाद उसमें जाता है, फिर उसके बाद भी ऐसी तरह अलग हो जाता है, बाद में चुकाई के लिए देना पड़ता है, इसके बाद में भी प्रोसेस और भी है। अंदर सुई वाला है, तो जो खाने वाले दाने हैं वो सुई में आ जाता है, वो कटिंग वाला है सुई वाला तो उसमें निकल जाता है, वो देख लो आप पूरा मशीन कैसे है तो आपको पता चलेगा खाने वाले दाने हैं वो अंदर पूरा बाहर आ जाएंगे। जैसे देखो इसमें सुई वाला है, ये घुमाते हैं तो पूरा घूम जाता है, उसमें सुई वाला जो दाना है अंदर आ जाता है। ताली हुआ है, पहले नहीं हुआ था, ये अभी मैग्नेट वाला हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे ये दाने हैं तो उसके साथ में मैग्नेट जो आता है लोहे का भूका उसमें डाल दे, जो आयन पाउडर बोले लोहे का जो भी बोले, तो क्या है वो खाने में चले जाते हैं, खाने में चले जाने के बाद उसको हम उसमें डाल देते हैं, तो उसमें मैग्नेट वाला जो मशीन है जो वो तुरंत चुकाई कर देता है, तब पकड़ लेता है और वो अलग हो जाता है। समझ में आ गया? भी उसके बाद में हैंड ग्रेनेड के लिए देना पड़ता है, इतना प्रोसेस करने वाला जो पकड़ चुका है। अभी उसको वो मशीन में डालेंगे जैसे मैग्नेट वाला, तो आपको इधर दिखाई देगा। बस आप ये ऊपर डालेगा, जो पट्टे पे रहेगा वो समझ लेने का, जो ये दाने आए ना पूरा खराब आया, नीचे वाले खराब जाना आएगा, वो मैग्नेट वाला है पूरा कटा हुआ नहीं खराब आ रहा है, आपके हाथ में रखिए, नीचे वाला खराब आ रहा है। हाँ नीचे वाला खराब आ रहा है, उस तरफ आ रहा है वो अच्छा दाना आ रहा है, वो सही है, ये सही दाने आ रहे हैं। Thank you.